तस्वीरें समय आप देख सकते हैं, जो मैनेजमेंट मैनेजमेंट के सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो डॉक्टर स्टूडेंट से मुलाकात करने पहुंचे हैं, बातचीत करने पहुंचे हैं, लेकिन समस्या का समाधान इनका होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, मैनेजमेंट के जो सीनियर अधिकारी हैं, मैम क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर्स बैठे हैं या स्टूडेंट्स बैठे हैं, कोई समस्या का समाधान इनका? समस्या का समाधान बिल्कुल निकलेगा। एक्चुअली ये है कि हमारा इंटर्न्स का पहला बैच है, तो थोड़े इंटर्न्स को भी नर्सिंग स्टाफ से और उनसे इंटरेक्ट करने की आदत नहीं है और ना ही नर्सिंग स्टाफ को है, तो इनके कुछ इशूज़ आ रहे हैं। वो हर नई चीज़ में टीथिंग प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो हम सॉर्ट आउट कर देंगे। हमने कोशिश भी की है सॉर्ट आउट करने की। आज मॉर्निंग में भी CMO को मैंने बोला था, इनसे इनकी बात कराई, मेन प्रॉब्लम कैजुअल्टी में आ रही है। बट ये बच्चे थोड़े आजकल वो है ना कि इम्पेशेंट है, तो इनको लगता है कि जैसे ही हम कहें वैसे सोल्यूशन निकल जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता। तरीके से बोलते हैं स्टाफ के लोग हैं, मुझे पता है, मुझे ये मेरी नॉलेज में आया है कि गलत तरीके से बोलते हैं। और मैंने कल मेट्रन को भी बुला के, इनके सामने ही मेट्रन को बुला के मैंने उनसे बोला था कि जो जो सिस्टर्स के इन्होंने नाम बताए थे उनसे वो बात करें और उनको वो करें। आज मॉर्निंग में भी डॉक्टर पीयूष गर्ग जो CMO है, उन्होंने इनसे बात करी है, सिस्टर से भी बात करी है। बट हर चीज़ का इफेक्ट आने में टाइम लगता है, ऐसा थोड़ी है कि आपने आज बोला और उसी वक्त इफेक्ट आ जाए। तो ये बच्चों को समझना चाहिए ना, थोड़ा पेशेंस होना चाहिए, प्रॉपरली हमारे से बात करें। अब सुबह मुझे मैसेज आया MS ऑफिस से कि बच्चे आए हैं आपसे मिलने। मैंने कहा मैं उनको बोलूँ अभी आप अपनी ड्यूटी पर जाए, मैं 3:30 बजे उनसे मिलूँगी। अब ये सारे आप यहाँ बैठ गए और स्टूडेंट्स को भी बुला लिया, तो स्ट्राइक पर ही बैठ गए डॉक्टर स्टूडेंट्स? ऐसा कुछ स्ट्राइक नहीं है। देखो जो है ना कि नहीं, हम नया बैच है इंटर्न्स का, तो थोड़ी सी हमें इनकी भी सेंसिटाइजेशन करनी पड़ेगी, थोड़ी सिस्टर्स की भी करनी पड़ेगी, हमने करी है। बट देखो अभी हम करते हैं इनसे बात। डायरेक्टर साहब भारी है अभी छुट्टी पर हैं? हाँ जी, डायरेक्टर सर भी छुट्टी पर हैं और डीन मैडम भी छुट्टी पर हैं। मैं तो MS हूँ और इंटर्न्स जो हैं वो वैसे डीन के अंडर आते हैं, MS के अंडर नहीं आते हैं। तो मेनली तो इनकी प्रॉब्लम का समाधान डीन ऑफिस से ही होगा। तो मंडे को मैडम आ जाएंगे, तो मैडम फिर जो भी रिटर्न नोटिस निकालना होगा निकालेंगे। बिल्कुल, डिप्टी डायरेक्टर हैं डॉक्टर गौरव कंबोज, क्या बताना चाहेंगे कि प्रोटेस्ट चल रहा है, इनको समझाया आपने? मैं इंटर्नशिप मॉनिटरिंग कमेटी का मेंबर हूँ, तो अभी मेरी नॉलेज में ये मैटर आया है। तो वैसे हमने जब इंटर्नशिप इनकी शुरू हुई तो एक इंटर्नशिप ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें इनको काफ़ी अच्छे से समझाया गया था कि आपने सब हर कैटेगरी ऑफ स्टाफ से कुछ कुछ सीखना है। तो वो सीखने का जो भाव है वो हमेशा हमारे अंदर रहना चाहिए, और हर किसी कैटेगरी ऑफ स्टाफ से कैसे बातचीत और कैसे उनके साथ मिलके हमने एज अ टीम काम करना है, तो उसके बारे में शिक्षण दिया गया था पहले दिन ही। तो उसमें कुछ कुछ समस्या आ रही, लगता है हमें थोड़ा सा दोबारा उसमें और जोर देके इनको थोड़ा और समझाना पड़ेगा, उसके बारे में आगे कार्रवाई करते हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं हालांकि जो मैनेजमेंट हैं, MS हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं, वो डॉक्टर स्टूडेंट से बातचीत करने यहाँ पर जरूर पहुँचे थे और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि इनकी जो परेशानियाँ हैं, जो इनको परेशानियाँ आ रही है, उनका जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। लेकिन इस समय आप देख सकते हैं जो डॉक्टर स्टूडेंट जो तमाम यहाँ पर स्ट्राइक पर बैठे हुए थे, वो मैनेजमेंट के आश्वासन के बाद खड़े जरूर हुए हैं, लेकिन देखना होगा कि आखिरकार क्या इनका जो प्रोटेस्ट है वो जारी रहेगा या इसी तरह से जो ये प्रोटेस्ट हैं वो करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि पहले भी बहुत सी डिमांड्स इनकी रही है जो सुनवाई नहीं होती थी इनकी। आज उसी को लेकर आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से जो तमाम डॉक्टर स्टूडेंट्स हैं कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के, वो इसी तरह से प्रोटेस्ट करते हुए डायरेक्टर ऑफिस पर नजर आ रहे हैं। लेकिन करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ की खबर का असर जरूर हुआ, और किस तरह से खबर कुछ देर पहले दिखाए जाने के बाद जो मैनेजमेंट है
मैनेजमेंट के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो यहाँ पर पहुँचे थे और इनकी समस्या जो है वो जानी है। और आप देख सकते हैं इस समय तमाम डॉक्टर स्टूडेंट्स यहाँ से अंदर उनसे मुलाकात करने जाते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो मैडम पहुँची थी उन्होंने अंदर मिलने का निमंत्रण भेजा है, ताकि जो तमाम इनके डॉक्टर स्टूडेंट्स का जो एक प्रतिनिधिमंडल है वो इन डॉक्टर से बातचीत करें, ताकि इनकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द निकाला जा सके। आप ये लाइव तस्वीरें समय करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एवं सरकारी हॉस्पिटल से देख सकते हैं, जहां पर खबर दिखाए जाने के बाद कहीं ना कहीं जो ऑफिशियल हैं, जो मैनेजमेंट है, वो हरकत में जरूर आए हैं। और किस तरह से आप देख सकते हैं इन डॉक्टर स्टूडेंट्स को अंदर मुलाकात करने के लिए बुलाया गया है। आप देख सकते हैं इस समय डॉक्टर स्टूडेंट्स जो तमाम हैं अंदर मुलाकात करने जाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। हालांकि आश्वासन दिया गया है कि इनकी जो भी परेशानी है, जो भी इनकी समस्या है, उसका समाधान जल्द से जल्द किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं खबर का असर हुआ और मैनेजमेंट हरकत में आई है और डॉक्टर स्टूडेंट्स की जो परेशानियां हैं उसको समझने के लिए अंदर बुलाया गया है इन तमाम डॉक्टर स्टूडेंट्स को। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, जो तमाम डॉक्टर स्टूडेंट्स हैं इस समय अंदर मेडिकल कॉलेज में जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट से मुलाकात करने जाते हुए नज़र आ रहे हैं। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, हालांकि लेक्चर में भी अंदर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। एक बार तो स्ट्राइक पर बैठ गए थे, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब अंदर अपनी स्ट्राइक को ख़त्म कर मैनेजमेंट से मुलाकात करने और अंदर लेक्चर शायद अटेंड करने के लिए जा रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और सरकारी कॉलेज जो है वहाँ से इस समय आप देख सकते हैं तमाम डॉक्टर स्टूडेंट्स अपनी डिमांड्स को लेकर डायरेक्टर ऑफिस के बाहर जो है स्ट्राइक पर बैठ गए थे। और करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ ने कुछ ही देर पहले इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट इनसे बातचीत करने पहुंची और इनको आश्वासन दिया गया कि इनकी जो डिमांड्स है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा, इनकी डिमांड्स की तरफ जो है ध्यान दिया जाएगा और जो भी इनका इशूज़ स्टाफ नर्सिस से या दूसरे ऑफिशियल से आ रहा है उसको जल्द से जल्द ठीक किया जाएगा, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देखते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तमाम डॉक्टर स्टूडेंट्स जो डायरेक्टर ऑफिस के बाहर स्ट्राइक पर बैठे थे, इस समय आप देख सकते हैं कि अंदर वापसी अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं। मैनेजमेंट ने इनको आश्वासन दिया कि इनकी जो डिमांड्स हैं, जो इनकी परेशानी है, उसका समाधान किया जाएगा, जिसको लेकर इस समय आप देख सकते हैं डायरेक्टर ऑफिस के बाहर जो चल रही तमाम डॉक्टर स्टूडेंट्स की जो स्ट्राइक थी, जो धरना था, वो किस तरह से समाप्त कर दिया और इस समय अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ की खबर का एक बार फिर से असर हुआ और खबर दिखाई जाने के बाद जो मैनेजमेंट है वो हरकत में आती है, इन तमाम डॉक्टर स्टूडेंट्स के पास पहुंचती है और इनकी जो परेशानी थी उसको देखा जाता है, उसको सुना जाता है, जिसके बाद इस समय आप देख सकते हैं कि तमाम वे डॉक्टर स्टूडेंट्स इस समय अंदर जाते हुए अपनी क्लासेस में, लेक्चर्स में नजर आ रहे हैं। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। करनाल में हरियाणा की हर बड़ी खबर करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचाता है, लेकिन कुछ लोगों की शिकायत है कि हमारी खबर उन तक नहीं पहुंचती है। तो आज ही अपना फेसबुक प्रोफाइल खोलिए, उसके बाद जब आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज पेज खोलेंगे तो ये फॉलोइंग का ऑप्शन आएगा, इसको आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपको ये फेवरेट्स का बटन दबाना है, जिसके बाद करनाल वे हरियाणा की हर बड़ी खबर सबसे पहले आपके मोबाइल फोन तक पहुंचेगी। करनाल में हरियाणा की हर बड़ी खबर अगर आप चाहते हैं आपके पास सबसे पहले पहुंचे, तो आज ही अपना मोबाइल फोन ओपन कीजिए, उसमें प्ले स्टोर में जाइए और करनाल ब्रेकिंग न्यूज की जो हमारी न्यूज ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए, उसको इंस्टॉल कीजिए, ताकि करनाल वे हरियाणा की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचेगी।